बह गए वल्लभ जी कृष्ण के चिंतन में की मारू मन डोछे गोकुल बने रावण मेरा हृदय ही वृंदावन बन गया कितने बह गए कृष्ण की प्रेम में ये मारू मनी डोछे गोकुल बने रावण थन माँ आंगनिया छे तुलसी वन मारा थन माँ आंगनिया छे तुलसी वन मरुकान जीवन उमारा भक्ति माँ विराजता श्री મારી આંખો વિશે છે ગિરિધારી રે ધારી મારી આંખો મારું તન મન મારું તન મન ગયો છે ને વારી રે વારી મારા શામ રારી મારા ભક્તિમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી આરાધનાથ જી શ્રીનાથ જી શ્રી નાથ જી મન મંદિર માં વાસે શ્રીનાથ જી પ્રભુ જી મહાપ્રભુ જી મહાપ્રભુ જી ઘટ ઘટ માય સારે શ્રી યમુનાજી મહાપ્રભુ જી મહાપ્રભુ જી મહાપ્રભુ જી ઘટ ઘટ માય શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો શ્રીનાથજી બોલો જી બોલો શ્રી યમુના જી બોલો શ્રીનાથજી બોલો યમુના જી બોલો શ્રીનાથજી બોલો યમુના જી બોલો નાથજી 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 શ્રી
नाथ जी श्री नाथ जी, मन मंदिर माँ बासे श्री नाथ जी। महाप्रभु जी महाप्रभु जी महाप्रभु जी, घट घट माए सारे श्री यमुना जी। महाप्रभु जी महाप्रभु जी महाप्रभु जी, घट घट माए सारे श्री यमुना जी। घट घट माए सारे श्री यमुना जी, घट घट माए सारे श्री यमुना जी। महाप्रभु जी महाप्रभु जी महाप्रभु जी, महाप्रभु जी महाप्रभु जी महाप्रभु जी। उनकी शरण वल्लभाचार्य जी महाराज करते पुष्टि संप्रदाय की आराधना बहुत अभूतपूर्व है। तो परमात्मा की अनन्य कृपा पाने के लिए गोपी की भांति जो अनन्य शरण ग्रहण करे, या तो कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन क्यों उठाया, अपनी भगवत्ता सिद्ध करने के लिए कृष्ण को आप लोगों के सामने परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग हमको मानो, हमारी पूजा करो, इसकी लाला को कोई जरूरत नहीं। तुम्ही पूजा करान तरच देवाला कोणी मानेल, त्याच्या मंदिरात देवळात जाऊन तुम्ही एक रुपया टाकान तरच त्याच्या खाय प्यायची सोय लागण, नाही तर उपाशीच राहील। अरे उसको भजने वाला भक्त यदि निष्प्रभ होता है तो मालिक को उसकी भगवत्ता सिद्ध कराने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया हमको मान, तो कृष्ण ने गिरिराज क्यों उठाया। हम सुबह कह गए कि कृष्ण प्रेमावतारी है, दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आए। और जब जहां कहीं कृष्ण ने अक्कड़ को पाई तो कृष्ण ने थपाक लगाई, बस यही गिरिराज गोवर्धन उठाने का मकसद है। इंद्र भी पुण्य के द्वारा देवता बना। देखो हमें लोग चुन कर दे, वोट हम दे, वोट मांगने आया तब भिखारी बन के आया था, पायजो मावशी माई कड़े पायजो, मैंने तू एवड़ा चांगला है का तू आई कड़े पायजो, बिना अक्कल का बोल रहा। तो उस समय भिखारी बन के, लेकिन जब चुन के आया सबका शाहनशाह बन गया, बादशाह बन गया। ऐसे ही इंद्रपद जो हमारे पुण्य के प्रताप से भले हमको प्राप्त होवे, लेकिन उसके विकार नहीं जा सकते। इसलिए इंद्र के दरबार में कल्पना की गई है कि वहां अप्सराएं होती,
और सोमपान पीने को मिलता और ये फली सारी बातें वहाँ, लेकिन भोग भोग होता है। सोमपान करने में देवताओं को जो आनंद, गुलाब जामुन चमचम खाने में हमको जो आनंद, वही सूकर को विष्टा भक्षण करने में प्राप्त हो सकता है। विषय नाम की चीज जो सुख देती, वो किसी व्यक्ति विशेष पे कोई निर्भरता नहीं। तो इंद्र के स्वर्ग की कल्पना जो की गई है वो भोगों से, तो ध्यान देना, इंद्र ये देवता हो सकते हैं, सकामियों के लिए देवता हो सकते हैं, लेकिन निष्कामियों के लिए विवक्तवासिना, जिसको विविक्त रहना है। यदक्षरं वेद वेदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम्। पर वो पद है मालिक का, तो स्मरण रहे, स्मरण रहे। इसलिए गोपियों ने, गोपों ने इंद्र की शरण ग्रहण नहीं, वरन 7 वर्ष ही कृष्ण के चरणों में बैठे, क्योंकि वह परमात्मा है और उसका प्रतिबिंब जीवात्मा हम है। कोई देवता हमको नहीं संभाल सकता, लेकिन हमारी आत्मा का अंश, परमात्मा का अंश, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूतः। तो इंद्र में जब जब विकार हो आते, क्योंकि पुण्य करते हुए गया एक जीवात्मा ही देवता बना, उसका नाम इंद्र है, तो समझिए तो स्वाभाविक है सर्वसामान्य में विकार आएंगे, जरूर आएंगे। हमारे नामदेव महाराज ने भगवान से यही मांगा, अहंकारा सावारा न लागो राजसा, माझा विष्णुदासा भावी काशी एवढं कर देवा, यांना अहंकार नको लागायला। आणि अहंकाराचा पिल्लू लवकर येते हो, माणसानं अहंकार करू नये म्हणजेच अहंकार। म्हटलं आपल्यात अजिबात अहंकार नाही असं म्हणणे सर्वात मोठा अहंकार। काय सांगावं, इसलिए बहुत सीधे और बहुत साधे, तो अहंकार झुक जाएगा। जब जब अहंकार की बाजी आए, जब जब हमारा अहम दुखने लगे, तब समझना कि तू अध्यात्म का पथिक है। और जिसका अहंकार गया उसके जीवन का दुख गया, अभिमान गेला तुका म्हणे ब्रह्म झाला। जिसका अहंकार गया, इतनी छोटी सी बात है, बस हमेशा देखते रहना कि क्या भीतर में अक्कड़ है, और यदि है तो लाला को पा नहीं सकते। इसलिए कृष्ण ने पुरुष को नहीं वरन नारी को वरन किया है। पुरुष पुरुषार्थ का प्रतीक होए, कुछ करने का प्रतीक हो सकता है। कन्हैया कहते हैं कि तुम नारी बनो, तुम समर्पिता बनो, तुम प्रवाही बनो, तुम प्रेमी बनो, मैं तुम सबको स्वीकार लूं। कहने का भाव, जो इस तरह भीतर में उतर गया। तो कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया, इसका स्पष्ट कारण यही है कि इंद्र के देवत्व का जो अक्कड़ थी, हाँ, जो अहंकार था, उसको झुकाने के लिए। और एक बार कृष्ण गोप बालकों का स्वरूप धारण किए, गायों का स्वरूप धारण किए। ब्रह्मा जी ने जब गोप बालक और गायों का अपहरण किया था, हम सुबह में ये प्रसंग को नहीं कहे, समय के अभाव में, तब पुनः उतने ही गायों, उतने ही गोपाल बन के सुखदेव जी कहते हैं कि ये परमात्मा की
विशेष रास है। केवल युवा गोपियों के ही साथ में कृष्ण रमे यूं नहीं, तो वृद्धा गोपी और गायों के साथ भी उनके बछड़े या गायों का रूप धारण करके कृष्ण ने सबको अपना सान्निध्य दिया। तो ये परमात्मा की विशेष रास। तो उतने ही स्वरूपों को धारण करके परमात्मा ने ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया। गिरिराज गोवर्धन को धारण करके परमात्मा ने इंद्र का अभिमान दूर किया। एक बार रात्रि में नंद बाबा यमुना नहाने गए, तब नंद जी का अपहरण किया वरुण के सेवकों ने, और मालिक ने परमात्मा कृष्ण ने वरुण से भी लोहा लिया और वरुण का भी मदहरण किया। कृष्ण त्याच नाव है एका एकाची जीरवने, दूसरा काही अर्थ है। तुम मृषाभिमान को छोड़ो और प्रेम के जीवन में उतरो, कृष्ण इतने ही कहते और कोई मकसद नहीं। तो भले ही ब्रह्मा हो, भले ही इंद्र हो, भले ही वरुण हो, तो सबके अभिमान को कृष्ण ने तोड़ा। और अभी अभी कन्हैया 11 वर्ष के, कामदेव आए अपना सुमन बान को ताना और कृष्ण को कहने लगे, लाला गत जन्म में तुम राम थे, तुमने मुझे हराया, हमें मंजूर है क्योंकि तुम नीतिमान बन के आए थे, लेकिन आज तो प्रेमी बन के आए हो। तुमने सबको हराया लेकिन मुझे अहंकार है कि मैं सबके दिलो दिमाग में वास करता हूँ, सबको पागल बनाता हूँ, सबको भ्रमित करता हूँ। तो कन्हैया शरद पूर्णिमा की रात हो, गोपियाँ इर्द गिर्द हो, और मैं तुम्हें एक काम बांध चला, और तब यदि तुम निष्काम रह पाओ तो मैं सोचूं कि जीवन में मेरी पहली बार हार हो चुकी है। कृष्ण ने कहा कि अभी मैं छोटा हूं, मैं 11 वर्षीय हूं। बोले कन्हैया मंजूर। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षिति यह है कृष्ण की रास, काम मद हरण लीला ही कृष्ण की रास बनी। काम मद लेकर आया था कि मैं कृष्ण को हराऊंगा, लेकिन इस बहाने कृष्ण ने गोपियों को जो दान दिया, जो भाव ऊपर को उठ रहे थे, वे ऊर्ध्वरेता बन गए, परमात्मा में विलीन हो गए। कृष्ण का नाम कोई जपे तो काम की गंध ना हो, प्रत्यक्ष कृष्ण और गोपियों में विरक्त शूक जहां जिस रास की चर्चा करे, जिसको कल मरना हो, ऐसे परीक्षिति रास की कथा सुने तो हम कहेंगे आप वृत्ति के स्थूल भाव को निकाले और रास के रस में उतरे, तो स्वयं परमात्मा से जीवात्मा का एक मिला, एक महाभाव से एक स्थूल भाव मिल रहा हो, इस अर्थ में यदि ले तो नित्य रास पंचाध्यायी का पाठ करें। रासलीला के 5 अध्याय नित्य ध्यान के पूर्व या पंचाध्यायी का पठन करें, और ध्यान करते समय कृष्ण की रास में आप प्रविष्ट हो जाओ तो जीवन की रास से बच जाए। शरद पूर्णिमा थी, आकाश में पूर्ण चांद उगाया, शीतल मंद सुगंधित बयारी बह रही थी, यमुना जी बह रही थी, और कृष्ण कदम के नीचे पीतांबर कसे खड़े थे, ओठ पे बांसुरी लगाई और काना जब बजाने लगे, श्यामरे मुरली मधुर निर्मल जीवन गंगा जली
मैल दीना जमुना चली लहरी लहरी लहराई शान मुरली मैं कन्हैया बांसुरी बजाने लगे मुरली की धुन सुनिए दौड़ती जा गोपियों के कानों तक ये धुन पहुंची भूल गई संसार को कोई पति सेवा में थी कोई पुत्र को स्तनपान करा रही कोई श्रृंगार कर रही कोई गृह कार्य कर रही कोई रसोई बना रही लेकिन जैसी मुरली ने धुन सुनी काम धाम संसार विसर गई सब भूल गई मुरली मधुर मानो सरिताएं सागर की ओर दौड़ती हो मोटी बांसुरी हम चाहे स्टेज वर वन मैन शो असते सर्व सांगा लागते और दूसरा हमारा कोई रियाज नहीं होता और यहाँ निर्माता दिग्दर्शक ओनली वन मैं कई बार कहता हूँ इन सबको की हिम्मत करो भाई कुछ भी बजाओ कुछ भी गाओ पता नहीं तो राम जी की इच्छा हमें मंजूर होता है। तो जैसे बारिश हो जाए और बारिश के पश्चात छोटे छोटे झरने बहते हुए किसी सागर की ओर बड़ी नदियां की ओर आए जहां तक नजर पड़े सारे गोपियों की झुंड आ रही घूमते हुए लाला के बांसुरी की कृष्ण ने पूछा गोपियों इतनी रात गए तुम यहां अपने पति परिवार को छोड़कर इतनी रात यहां आना यह अधर्म है तो जैसी आई हो तो अपने घर को लौट जाओ। गोपियों को विरह होने लगा कृष्ण कैसी बातें कर रहे लाला तुमने पूछा क्यों आई हो तो हम नहीं आया तुमने बुलाया और हम चली आई क्यों बांसुरी बजाई आपने क्यों बांसुरी बजाई नको वाजो काना तुझी मुरली तुझा मुरली ने माझी सुधरली किती दा मतलब क्यों बजाता है फिर भी हाँ। तो इसलिए तुमने बुलाया तो रही दूसरी बात कि पतियों को छोड़ के अकेली अकेले पुरुष को मिलना ये अधर्म है तो कृष्ण धर्म क्या है ये भी हम जानती हैं तुमने गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज पूरे धर्म चॉकलेट है और तेरी चरणों में आना ही धर्म है तो क्या गलत किया और तीसरी बात कह रहे हो कि तुम यहाँ से चले जाओ तो तुमने गीता में कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं तो कन्हैया अब जाए तो कहाँ जय
जाऊँ कहाँ चरण चरण काको नाम पतित पावन जेही जग दीन प्यारे हे राम जाऊ कहाँ तजी चरण तिहारे जाऊ कहाँ तो कन्हैया अब हम कहाँ जाए बढ़िया अनन्य चेता सततम सुमा योमान स्मरन्ति नित्यश तस्याहं सुरव पार्थ नित्यस्तु अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां कई जन्म में पुण्य करो तब कहीं तुम्हारे चरण और गोविंद आज आपके चरणों में आए तो कृष्ण ने देह धर्म का वर्णन किया और गोपियां आत्मधर्म को कहने लगी और देह की दुर्दशा से आत्मधर्म श्रेष्ठ देह धर्म को पालना बचपना है लेकिन आत्मधर्म को पालना ये बुजुर्गी है तो कृष्ण ने कह दिया गोपियों तुम्हारी क्या इच्छा गोपियों ने कहा कन्हैया हमें अधरामृत चाहिए ये धरामृत बहुत पिए लेकिन तेरे अधरामृत और कृष्ण ने तीन रास मंडल बनाए एक मंडल में स्वयं राधा कृष्ण पूरी गोपियां दूसरी मंडल में दो गोपियों के बीच कन्हैया और एक मंडल में प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण मोहन के मुख बंसरी मोर आकर नृत्य करने लगा वातावरण बहुत सुंदर बना हाँ लाइट सदर मोहन के बंसुरी राधा के मन की पुकार परसी पर हो रहा है सरिता रास की सरिता बहे सरिता राधा कृष्णा कृष्णा राधा राधा कृष्णा कृष्णा
कई जन्मों का वियोग, सरिता सागर में मिलने लगा, जीवात्मा परमात्मा में मिलने लगा, और लाला सबको प्रेमानंद देना। राधा 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 कृष्णा 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 राधा राधा कृष्णा कृष्णा कृष्ण सर्वं खलविदं ब्रह्म। हे राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा। कौन जीव कौन विष्णु, सारा एक में वातावरण होने लगा। राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, मान हृदय विदीर्ण होने लगा। हृदय बन करती बरती बांसुरी बजतानी रे, धन 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 मन कहती डोल गान गान प्राण रे, कान 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 महु कृष्ण कान छन 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 नन नन डोली मुरली दास आसु धर, जय 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 भोलई, हृदय द्वन करत करत बांसुरी बज कान रे, धन 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 मन कज रोली कान गान प्राण रे, कन 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 मह कृष्ण कन छन 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 नन नन डोलई, जय 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 बोलही बोलही जय जय जय। और जब रास चल रही थी उसी समय रास में परमात्मा कृष्ण अंतर्धान हुए, कृष्ण विरह गोपी गा। अब लाला के विरह में गोपिया रोती हुई जब गाने लगी, हाय कन्हैया हाय कृष्ण।
राधा का साथ मिला और राधा ने सुनाया, राधे तुम कहाँ गई थी, तो अनया आराधितो नूनम, कृष्ण की अनन्य आराधना करने वाली राधिका। श्रीमद् भागवत में यद्यपि स्पष्ट नहीं, लेकिन इशारे से राधा का नाम जरूर आया है, क्योंकि कहते हैं कि शुकदेव जी राधा को गुरु मानते हैं, तो राधा भाव में इतने मस्त हो जाते कि राधा एक बार भी नाम उच्चारण करे तो 6 महीना की समाधि लग जाए। और यहाँ 7 दिन में परीक्षिति का उद्धार करना, इसलिए राधा का स्पष्ट नाम तो यहाँ नहीं, लेकिन इशारे से जरूर आया। तो अनया आराधितो नूनम, और फिर राधा ने मार्ग क्रमण किया। मदभक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ प्रभु को गाओगे वही तो मिलेगा। सारे गोपियाँ प्रभु को गाने लगे और परमात्मा वहाँ प्रकट हुए, और भये प्रकटु महारास रचावहि पुनः रास का। और इस तरह समय के अभाव में रास के विशेष रहस्य में नहीं उतरे, लेकिन इतना जरूर समझना कि हमारी विविध भावना पृथक चेष्टा एक महाभाव में विलीन करना ही, जिस महाभाव में गुलाबराव महाराज रहते थे, जिस महाभाव में रामकृष्ण परमहंस रहते थे, उसी भक्ति की श्रद्धा के भाव को परमात्मा में स्थापित कर देना ही परमात्मा की रास है। शंखचूड़ और सुदर्शन नामक निशाचर का परमात्मा ने वध किया, और शुकदेव जी महाराज परीक्षिति को ले आ रहे हैं उस मथुरा लीला की ओर। आइए संक्षेप में उसको देखें। कंस ने जब जाना कि मेरा काल ये गोकुल में पैदा हुआ है, उसने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन जो गए वो लौट कर नहीं आए। तो वस्तुतः मेरा काल गोकुल में तो है, लेकिन है कहाँ? इस सोच में कंस बैठे थे। उसी समय नारद जी महाराज मथुरा में आए और कंस को इशारा किया, कंस सुन, तेरा काल अन्यत्र और कहीं नहीं, वृंदावन में जो यशोदानंदन नंदनंदन, वो यशोदानंदन नहीं, वही देव की नंदन है। कंस ने कहा, नारद ये हुआ कैसे? वे तो कारागृह में बंद थे, पहरा बहुत कड़ा था, और इसके बावजूद ये बात मत पूछे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि तेरा अष्टम जो काल जिस योग माया ने कहा था कि वो सुख से पल रहा है, वो नंद भवन में वृंदावन में तुम वहां पहुंचो। और अभी छोटा सा बच्चा है, 11 साल का है, उसको किसी बहाने बुला लो, और अभी छोटा सा है, तुम थोड़ा नखरा करो तो मर जाएगा, बड़ा हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल में तकलीफ में पड़ जाओगे कंस, इसलिए ले आओ। कंस ने कहा, नारद तुम्हारी कितनी कृपा है हम पे। नारद ने कहा, हम ऐसी ही कृपा की रे तो जीते, हम सबको ठिकाने लगाते हैं। या तो यूं कहो कि इधर कंस को ठिकाने लगाया और उधर कन्हैया गोप बालकों में खेल रहे थे, वहां जाके टपक गए। कन्हैया कब तक खेलोगे? क्या ये खेलने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ? केवल मुरली बजाओ इसलिए तुम्हारा अवतार हुआ? कन्हैया पृथ्वी पे बहुत बोझ हुआ है,
अब बांसुरी छोड़ दो, अब हाथ में शंख फूंको, पांच जन्म ऋषिकेश हो, अब उसका समय आया है कन्हैया। पृथ्वी पे बहुत बोझ हो चुका है कलाला, और नारद जी महाराज ने कृष्ण को कह दिया कि लाला हमने कंस को बताया है कि तुम्हारा काल कहाँ है। बोले तूने बता दिया? बोले कन्हैया हम ना बताते तो तुम और भी चार साल यही खेल में रहते, यमुना के किनारे खेलते रहते। तो भगवान को भी कार्य से लगाने का काम संत करते हैं, नारद करते हैं। भगवान को प्रकट कराने का काम, भगवान से कार्य कराने का काम। और इसीलिए कृष्ण ने, राम ने भी कहा है कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह जनी आन निहु। कृष्ण ने भी कहा है कि परित्राणाय साधना, किसलिए आता हूँ? तो पहला काम मेरा है परित्राणाय साधना, और उसके बाद विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन सबसे पहला काम साधुओं को सुख पहुंचाने के लिए तो मैं आता हूं। और कहते हैं इधर कंस ने व्यवस्था बनाई, अक्रूर को भेजा गया, स्वर्ण मंडी तुरंत सजाया, संक्षेप में कहूंगा। और अक्रूर जी महाराज रथ को लिए आए वृंदावन, कंस को एक दूत बन के आए हैं, और वसुदेव जी नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद ने पूछा अक्रूर जी महाराज कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी ने स्पष्ट सुनाया, महाराज तुम्हारा कृष्ण बड़ा पराक्रमी है, शौर्यवान है, उसके पराक्रम और शौर्य की गाथा सुन के मथुरा का राजा कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, और ये उसका स्वागत करना चाहता है। इसलिए कन्हैया के स्वागत के लिए एक धनुष यज्ञ का आयोजन वहां हुआ है, तो आपके कृष्ण को बुलाया जाएगा। नंद बाबा तो बड़े खुश हो गए, वाह मेरे लाला तेरा पराक्रम देख के आज मथुरा का राजा भी तेरा स्वागत करेगा, कोई भी पूछेगा बच्चा किसका है। तो पिता नाम विख्यात, तो पिता को अपने कीर्ति की चाहना होती है। लेकिन यह संदेश जब मैया के पास में गए तो यशोदा रोने लगी और नंद बाबा को कहने लगी, कोई जरूरत नहीं, हमें स्वागत की कोई जरूरत नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारा कृष्ण हमसे दूर ना हो। ऐसी कड़वड़ाची जाती करी लाभा भी न प्रीति, जिसको कोई चाहना नहीं होती, केवल प्रेम करना ही जो जानती है। कोणाचं पोरग होय संपतरावचं कि बहनाबाईचं नाम उसका होगा, स्कूल में नाम डाला जाएगा तो पिता का नाम होगा, इसका कोई नाम होता है? लेकिन निष्प्रह सेवा करने वाली है माँ, बिना मोल की चेरी मन गुलात फूल जाई छे, प्रेमात प्रेम आई छे। माँ बाप से कर दोस्ती, माँ बाप फिर मिलते नहीं, जर मिले जौहर मिले, मिल जाए जोड़ी सीखे, प्रेम करना सीखे। तो माता प्रेम करेगी अपने लाये। नंद को तो लगा कि मेरे बच्चे को यदि कहीं से स्वागत मिल रहा है तो ये मेरे बच्चे का ही नहीं वरन मेरा भी बहुमान है। लेकिन यशोदा को बिल्कुल नहीं, वे तो कहती प्रेम की पगली, मेरा कृष्ण मेरी नजरों से दूर ना हो। नंद ने कहा पगली, यशोदा समझती क्यों नहीं? अरे हमारे सम्मान का मेरे कन्हैया आगे बढ़ेगा। बोले हमारा कन्हैया कहीं पीछे नहीं, कोई जरूरत नहीं वो मथुरा में जाए, और कंस उसका स्वागत करे। लेकिन कहां चलाए, रात्रि बीती सुबह हुई, सारी गोप गोपियां भी इकट्ठी हुई, कन्हैया आज कहीं और तैयारी लग रही है, कहां जा रहे?
लाला ने कह दिया हमको मथुरा जाना है। तो मथुरा, तो कल का बचा हुआ खेल यमुना के किनारे हम गेंद खेल रहे थे, कल की बाजी तुम पर थी, कौन देगा? कृष्ण ने कहा गोपियों मेरा खेल बदल गया है, अब ये छोटे मोटे गेंदों को नहीं खेलना है, अब तो दुष्टों के शीश के गेंद बनाकर मुझे उड़ाने, मेरा बदल गया है, कृष्ण के प्रेम का अध्याय अब बदल गया है, अब कृष्ण नीति नीतिज्ञ बन गए। कैसे कहे, गोपियों का सांत्वन किया, गोपियों मैं जा रहा हूं आऊंगा, माँ यशोदा को ढाढ़स बंधाया, मैया के चरणों में प्रणाम किया, माँ मैं आऊंगा, माँ की आंख में आंसू झरने लगे, क्या नहीं आ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तू आएगा नहीं, तू आएगा नहीं, कन्हैया क्यों हमने तुझसे प्रीत की रे, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुखोए, तो जग में ढिंढोरा पीटती कि कोई प्रीत न करी मेरे को। लाला हमने बहुत लाड लड़ाया और जितना प्रेम किया उतना हम रोए, गोपियों ने भी कहा कन्हैया ये असह्य है, लेकिन अब रोना हमारा रास्ता हो जाएगा, जिसके बिना हम कहां रह सकते। और कहते हैं कृष्ण रथ में विराजमान हुए, बलराम जी महाराज विराजमान हुए, नंद बाबा विराजमान हुए, कुछ गोप बालक विराजमान हुए, रथ आगे को बढ़ा, बीच में राधा महारानी मिली, राधा को अपनी बांसुरी दे दी, जिस बांसुरी के लिए हम रोते थे, तुमसे झगड़ा करते थे राधे, वही मुरली वही बांसुरी, ये प्रेम राज्य की कुंजी है जो हम तुम्हें दे रहे हैं राधा, इसके द्वारा तुझे पूरे ये पागल खाने को संभालना है, आज से ये मेरा प्रेम मार्ग तुम्हारी अख्तियार होगा, आज से कोई कन्हैया का प्रेम पाना चाहे तो उसको राधा की ओर आना होगा, उसको राधे राधे कहना है, इतनी सारी बातें कह दी, और राधा ने भी अपने आंख में आंसू लिए, कन्हैया को भावभीनी विदाई दी, और कृष्ण बलदाऊ आदि आए मथुरा, पर सुखदेव जी महाराज घटना के नंद तनय मथुरा करुणा तुजा हरिशन नंद तने मथुरा निधनि दब गपनी सनिधनि दब गपनी धनि दब गपन Dani da da ni da da pa da pa ni da ni da pa da pa da. मथुरा का निरीक्षण करने लगे, संक्षेप में कहूंगा, कंस की दासी कुबजा
दिखने में सुस्वरूपा थी लेकिन तीन जगह टेढ़ी थी। उसने कृष्ण को देखा और मन में भाव जागा। चंदन लिए जा रही थी और मन के भाव ने कह दिया कि अब कंस के लिए नहीं, अब कृष्ण के लिए। उसने लाला को चंदन विलेपन कराया और कृष्ण ने जो तीन जगह टेढ़ी थी उसके पैर पे अपना पैर रखा, उसकी टोड़ी को पकड़ा और एक धक्का दिया। जो तीन स्थान पे टेढ़ी थी कृष्ण ने सर्जरी की और जब वो सर्वांग सुंदरी बनने लगी कुब्जा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने कहा, कन्हैया हमारी घर पधारोगे, आपका स्वागत है कन्हैया। कृष्ण ने कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि, कहा विश्राम जैसे हनुमान ने कहा। अभी कंस शेष है और उसके बाद हम सबका स्वागत सबका करेंगे। एक धोबी की कथा आई, उसका भी कृष्ण ने उद्धार किया। रात्रि बीती, दूसरे दिन का सुबह हुआ, कंस का दास आया। नंद बाबा चलिए आज कृष्ण के स्वागत का दिन है, और कृष्ण बल्लाऊ पूरी नंद बाबा आ रहे कंस भवन की ओर। बहुत बड़ा धनुष यज्ञ, तब लाला कमी करना थोड़ा। आई उस ओर एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था। कंस के सेवक ने कहा कि महाराज भीतर पहुंचे उससे दूर, इसको तोड़ना। और धनुष बड़ा विशाल था, कृष्ण ने सहज में जब तुड़वा दिया। गगन गंभीर भीषण वाणी, भयंकर वाणी कंस के कानों में गई। कंस ने पूछा क्या हुआ, बोले महाराज उस बालक ने धनुष को तोड़ा। कृष्ण को मारने के लिए यंत्रणा जो की गई थी, कुबलया पीड नाम के हाथी को मदोन्मत्त बनाकर रखा गया था। मुष्टिक और चाणूर दोनों कहने लगे, कंस महाराज आप चिंता न करियो, हम बड़े बड़े मल्ल यहाँ बैठे हैं, हम उठा के उसको दफना दें। और जब कृष्ण आगे को बढ़ने लगे, हाथी को खुला कर दिया गया और हाथी चिघाड़ता हुआ जब दौड़ने लगा, सुखदेव जी महाराज घटना देने लगे, हाथी हाथी चिघाड़ता हुआ जब हाथी, सारे लोग भागने लगे कृष्ण, लेकिन लाला खड़े थे और हाथी ने सुन में पकड़ लिया कृष्ण को। ले और कन्हैया आकाश में उड़ते हुए पुनः हाथी पे, लोग सोचने लगे अब क्या होगा। कन्हैया अब तो मारा गया, लेकिन कहते हैं हाथी की सूंड से कब कन्हैया नीचे उतरे और कब हाथी को उठा लिया। आकाश में गोल घुमाने लगे और 100 बार घुमाकर पृथ्वी पे जब दे पटका तो हाथी निष्प्राण, उसका एक दांत उखाड़ा। कालो अस्मिलो कक्षेकृ प्रवृद्ध, और लाल लाल बने काल बने कन्हैया जब बीच से घूमने लगे, तब मुष्टिक और चाणूर ने ललकारा, महाराज कन्हैया हाथी को तुमने मार गिराया, लेकिन जब तक हमसे ना गुजरोगे। और कहते हैं चाणूर से कृष्ण भिड़े और मुष्टिक से बलदाऊ दादा भिड़े, मल्ल युद्ध होने लगा। और देखते ही देखते कृष्ण और बलराम ने ये दोनों का निपात किया, और जैसे ही दोनों मल्ल नीचे गिरे तब कंस घबराने लगा और कंस भागने लगा।
कृष्ण दौड़ते हुए गए जिधर से कंस दौड़ रहे थे और जाके मामा के सामने खड़े हो गए। बोले मामा कहाँ भाग रहे, कहाँ जा रहे? करते समय बहुत मीठा लगा, अब भोगते समय उतना ही तीखा। कृष्ण तू यहाँ, वहां से जगह छोड़ी दूसरी ओर, तू लाला वहां भी, तू यहाँ और तीसरी रास्ते, तू यहाँ यहाँ यहाँ, तू कहाँ नहीं? सर्वम खलविदम ब्रह्म कृष्ण कृष्ण। मामा जब गली तो चारों बंद भई, तब अपने आसन पे आकर बैठ गए। कृष्ण ने कहा मामा अब तुमको आसन पे बैठने का कोई अधिकार नहीं और बाल पकड़े कन्हैया ने, खींच नीचे और एक मुष्टि प्रहार दे दो। कंस का खून उबलने लगा, मुख से खून वमन होने लगा और कंस मृत हुए। पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ, कन्हैया ने एक धक्का दिया, कंस धराशायी हुए। खुद के पिता को इसने कारागृह में बंद किया था, कृष्ण ने छुड़ाया और उसी मसुरा के सिंहासन पे कंस के पिता उग्रसेन का राजा अभिषेक कराया। माँ वसुदेव देव किसे कन्हैया मिले, नंद बाबा और गोप बालकों को विदाई दी और कृष्ण बलराम आए उज्जैन में। सांदीपनी आश्रम में आकर गुरु दीक्षा ग्रहण की, अल्पकाल विद्या सबाई, कन्हैया लौटे। लेकिन कभी कभी जब कृष्ण को अपनी गोपियों की याद सताती, अपने गोप अपना प्यारा व्रत जब सताता, तब लाला रोने लगते। तो उद्धव आया और उद्धव ने कहा कृष्ण क्यों रोते हो, ज्ञान की बातें करने लगा। तब कृष्ण ने कहा कि मेरे भाई ये ज्ञान हमको मत दिखा, और यदि तेरे ज्ञान में पावर है तो जा वृंदावन और उन गोपियों से ज्ञान बता, और उनके आंसुओं को यदि तू पोछ सका तो तेरा हम पे बहुत एहसान हो जाएगा। उद्धव ने कहा महाराज छोटी बात है, हमारे वेदांत के सामने उनके आंसू नहीं टिकेंगे। और अभिमान को लेकर गया उद्धव, लेकिन गोपियों के सामने झुक गया। उसको पता था कि मेरा ज्ञान भी शुष्क है आंसू के बिना, भक्ति के बिना, बिना कृष्ण दर्शन के शांति है। उधो ज्ञान चरिचा सुहाती नहीं, बिना कृष्ण शांति। और संक्षेप में कहूं, गया था अभिमान लेके लेकिन लौटा है।